हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अपने गांव का घर दिखाऊंगी। ये है मेरे गांव का पुराना वाला घर। पुराना वाला घर इसलिए क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में बताया था कि हम गांव क्यों आ रहे हैं। इसका रीज़न मैं डिटेल्स में आपको गांव जाके बताऊंगी, तो इसलिए मैं ये आपको आज बताने वाली हूँ। एक्चुअली हमारे पुराने वाले घर के बगल में, जस्ट बगल में, ये जो सामने आप देख रहे हैं अभी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये हमारा नया घर है। और इसके गृह प्रवेश में हम सब यहाँ पे आए हैं अपने घर कटारू। ये वैशाली में सिचुएटेड है। एंड चलिए आज अब मैं आपको अंदर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये किचन है, पास में यहाँ पर एक सीढ़ी बना हुआ है, ऊपर चल के भी एक फ्लोर है, वहाँ पर एक रूम है और एक नीचे ये रूम बड़ा सा निकला हुआ है। इसमें अटैच्ड एक वार्डरोब है और साथ में बाथरूम भी है, तो ये मास्टर बेडरूम है। और यहाँ पर हमारा पूजा कंप्लीट है। और यहाँ से जो सीढ़ी जा रहा है, चलिए एक बार ऊपर चलते हैं। और ये ऊपर जाने के बाद ये हमारा एक रूम निकला है और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। अभी तो फ़िलहाल धूप है सुबह में, पर शाम का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है यहाँ पर तो। और ये बाहर की बालकनी है। जब कंप्लीट घर हो जाएगी और मैं नेक्स्ट बार आऊँगी तो आपको पूरा घर का होम टूर मैं आपको दिखाऊँगी। एंड अब हम चलते हैं नीचे। और अब मैं आ गई हूँ नीचे और ये हमारा पूरा का पूरा जो है, सिर्फ इस प्लॉट में हमारे सिर्फ पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें आम है, लीची है, केला है, एवरीथिंग। तो ये सारा जो भी आपको दिख रहा है सब हमारे पेड़ हैं। तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे चारों तरफ घूम के। बच्चा एक्चुअली यहाँ पे आके बहुत इन्जॉय करते हैं। सारा घूमने फिरने के बाद अब हमें नेक्स्ट डे निकल जाना है अपने ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर की तरफ। और यहाँ पर घर जाके, घर पहुँच के मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।